सिंधु सुखधाम जगदीश्वर प्रभु हंस को कोटि कोटि प्रणाम। भौरी बंदी जग जननी मां त्रिभुवन पति भगवान आदि पुरुष सतगुरु तुम्हीं करूं सतगुरु तुम्हीं दयालु हो तुम लग मेरी दौड़ जैसे कागज जहाज को सूझे और निटाया। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की। सभी महान विभूतियों की साचे दरबार की। सत्य सनातन धर्म की। उपस्थित प्रभु प्रेमी आत्मिक बंधु, आदरणीय भक्तिमती माता बहनों, श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से हम लोग प्रत्येक सप्ताह सत्संग का लाभ प्राप्त करते हैं और जीवन में सत्संग बहुत ही आवश्यक है। आप लोगों ने देखा होगा तालाब के अंदर हरी हरी काई जम जाती है। काई जम जाने के कारण पानी जो है दिखना बंद हो जाता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे तालाब के किनारे खेलते हैं और खेलने में क्या करते हैं, पत्थर उसमें फेंकते हैं। पत्थर फेंकने से थोड़ी सी काई पड़ती है, फिर से धीरे से जुड़ जाती है। पर बार बार जब पत्थर उसमें डालते रहते हैं, एक दो घंटे तक डालते रहते हैं, पत्थर पड़ता रहता उसमें, वही काई धीरे धीरे किनारे लग जाती है। किनारे लग जाती है, धूप मिलती है तो धूप से वो काई सूख जाती है और पानी क्लीन साफ दिखने लग जाता है। ऐसे ही कहा हमारे मन के ऊपर विषय विकारों की जो काई जमती है, विषय विकारों की काई जमने से जो आत्मा का स्वरूप है वो दिखना बंद हो जाता, दिखाई नहीं देता। जो हमारे अंदर परमात्मा का सत्य स्वरूप छिपा हुआ है वो माया की काय के कारण वो दिखना बंद हो जाता है। लेकिन जब सत्संग रूपी पत्थर ये मन के रूपी तालाब के अंदर पड़ता रहता है तो धीरे धीरे ये माया की जो काय है वो भी किनारे लग जाती है। इसीलिए हमारे ज्ञानियों ने ऋषि मुनियों ने सत्संग को बड़ा महत्व दिया। तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर यहां तक लिख दिया, जीवन मुक्त ब्रह्म परा चरित सुनही तजी ध्यान। कहते जो
रहते थे वो ऋषि मुनि लोग ध्यान अवस्था को छोड़ करके क्या करते थे, सत्संग सुनने के लिए जाते थे। जीवन मुक्त ब्रह्मपुर चरित सुन ही तजी ध्यान, ध्यान को छोड़ करके सत्संग सुनने के लिए जाते थे। क्यों सत्संग को इतना महत्व क्यों दिया गया, सत्संग को इतना महत्व देने का कारण क्या था? क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि जब तक व्यक्ति सत्संग नहीं सुनेगा तब तक उसका ध्यान के अंदर मन नहीं लगेगा। ध्यान में मन तभी लगेगा जब एकाग्र मन से सत्संग सुनेंगे। और सफलता कब मिलेगी, ध्यान में सफलता कब मिलेगी, ध्यान में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन वचन और कर्म से गुरु महाराज जी की शरणागत होना पड़ेगा। ध्यान में सफलता जीव को तभी हासिल होती है जब मन वचन और कर्म से महापुरुष की शरणागत होती है। इसीलिए हम इतिहासों को, हम पुराणों को पढ़े, 108 जो उपनिषद है, 108 उपनिषद, चार वेद, छह शास्त्र, इन सभी के अंदर क्या है, गुरु और शिष्य का संवाद है। ये संसार की माया को देख करके, ये संसार की माया से ऊपर उठने का साधन शिष्य ने पूछा और गुरु ने उसका उत्तर दिया। 108 उपनिषद के अंदर उसी का वर्णन आता है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है। जीव संसार के अंदर बहुत प्रकार के कष्टों के अंदर क्यों घिरता है, इन कष्टों से उभरने का उपाय क्या है, उसके लिए क्या किया जाता है, क्या करना चाहिए, यही सब बातें उपनिषदों के अंदर सुनी जाती है, पढ़ी जाती है। कहने का भाव, जीवन के अंदर सत्संग बहुत आवश्यक है। सत्संग के साथ साथ दर्शन, सेवा, सभी चीजें आवश्यक है। जिस प्रकार से हम अपना घर में एक पौधा लगाते हैं, एक रुख लगाते हैं, लगा करके छोड़ नहीं देते हैं, बल्कि लगाने के बाद उसमें पानी देते हैं, खाद देते हैं, उसको कीड़े खा न जाए उसके लिए उसमें दवाई छिड़कते हैं, तभी वो पौधा बड़ा होता है और एक दिन हमें फल और फूल देता है। फलता है कब, जब उसे सभी चीजें मिलती है। किसी चीज का भी अभाव हो जाए तो उसका जो उत्पन्न होने का, जो उनका प्रकट होने का वो है, वो कम हो जाता है। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी, भक्त के जीवन के अंदर भी, वो अगर आध्यात्मिक मार्ग में उत्थान चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, ऊपर उठना चाहता है, तो जीवन के अंदर उसे सत्संग, भजन, सेवा और दर्शन, ये सभी चीजें आवश्यकता अनुसार उसे पोषण देना पड़ता है। और जब देते हैं तभी उसका विकास होता है। तो ये बहुत ही आवश्यक है। और उसमें भी ये देश में रह करके तो अति आवश्यक है, आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है।
माया का बोलबाला है, जहाँ जाओ वही माया का पसारा है। लेकिन कहा जिस प्रकार से चंदन के पेड़ के ऊपर सर्प लिपटा रहता है, लेकिन चंदन के अंदर वो गुण है, श्वास है, उसमें वो जहर असर नहीं करता, वो जहर उसको उसके ऊपर कोई असर नहीं करता। ठीक इसी प्रकार भक्त का जीवन चंदन की तरह होना चाहिए। ये माया संसार की चीजों का हमारे मन के ऊपर वो नहीं होना चाहिए। हमारा मन अगर इसमें भीग गया, इसके अंदर लगा गया, लग गया, तो दुखी होना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप रास्ते पे चलते जा रहे हैं, यहाँ आपने देखा होगा, रास्ते पे जा रहे हैं, कहीं रास्ता आप भटक गए, रास्ता चूक गए, तो आपको कितना लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। ऐसे ही है मानव जीवन जो है वो 84 लाख योनि के चक्कर से मुक्त पाने के लिए एक दरवाजा है, मेन गेट है। इस गेट को हमें ध्यान रखना है। अगर ये चूक गए तो फिर 84 लाख योनि का चक्कर बहुत बड़ा चक्कर है। इसीलिए हम इस चक्कर से बचने के लिए गुरु महाराज जी का दिया हुआ जो साधन है उसका अच्छी तरह से अभ्यास करें, सुमिरण करें, सत्संग से हम प्रेम करें, मन लगाएं। जितना भी समय मिलता है हम उस समय को, अपने समय को व्यस्त न जा व्यर्थ न जाने दें, उस समय को सार्थक करने का हम प्रयास करें। बाकी खाना पीना सोना ये तो जीवन के साथ लगा ही हुआ है। इसीलिए संतों ने कहा कि खाना पीना सोना ये सब कर रहे हम भी कर रहे हैं, हमारे में और पशु में कोई अंतर नहीं है। लेकिन गुरु महाराज जी ने हमें साधन दिया हुआ है, हमें इस इन सभी कर्मों से ऊपर उठने का गुरु महाराज जी ने अवसर दिया हुआ है, तो हम इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने मन को इस संसार से ऊपर उठाएं। इसीलिए आपने होली का प्रवचन अगर श्री गुरु महाराज जी का सुना हो तो क्या बताया गुरु महाराज जी ने? यही सुनाया कि जो होली का पर्व है वो श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है। आस्था सत्य के प्रति किस प्रकार का जीव के अंदर समर्पण होना चाहिए वो होली का पर्व हमें सिखाता है। भक्ति मार्ग के अंदर कैसा विश्वास होना चाहिए वो भक्त प्रहलाद ने अपने जीवन में किया और हमें उससे प्रेरणा मिलती है। इसीलिए पर्व क्यों मनाया जाता है? प्रेरणा लेने के लिए, कि उनसे हम अपने जीवन के अंदर प्रेरणा लें कि ऐसा कष्ट देने के बावजूद भी उसने अपने जीवन को किस प्रकार से निखारा, अपने जीवन को किस प्रकार से महान बनाया, अपने मार्ग से डिगे नहीं, अपने मार्ग से हटे नहीं। ठीक इसी तरह से ये होली के पर्व के ऊपर हमें यही शिक्षा लेनी है कि हमारा जीवन भी भक्त प्रहलाद की तरह, चाहे कैसा भी संघर्ष आए, कैसी भी विपत्ति, कैसी भी परिस्थितियां आए, उन परिस्थिति में मेरा मन गुरु महाराज जी आपके चरणों से लगा रहे, न डगे, इस प्रकार का हमें गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। वही दृढ़ता और विश्वास अपने मन के अंदर लाना चाहिए और जब होगा तो भक्ति मार्ग के अंदर हम निश्चित सफल होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं, न सफल होने का वही नहीं है।